Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 18th of September 2022. 18 सितंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी. पहला सवाल है, एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन इज एन एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. किस कंट्री के बीच में धर्मा गार्डियन इंडिया करता है? ऑप्शन आर ए यूएसए, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी वियतनाम. आई थिंक ये इजी सवाल है, आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी जापान. ठीक है ना, अगले सवाल पे आते हैं. तो अगला सवाल देखिएगा, विद रेफरेंस टू नेचुरल रबर प्रोडक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है केरला काउंट्स फॉर नियरली 75% ऑफ द टोटल नेचुरल रबर प्रोडक्शन इन इंडिया. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एट प्रेजेंट इंक्रीजिंग चाइनीज डिमांड रिजल्ट इन द एक्सॉर्बिटेंट प्राइस राइज ऑफ नेचुरल रबर इन इंडिया. अब आप लोगों को अगर याद होती, तीन चार दिन पहले मैंने आपको केरला के जो रबर प्लांटर्स उनकी प्रॉब्लम बताई थी, उसमें से एक प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था कि चाइना जो है ये हाईएस्ट डिमांड करता है रबर की, लेकिन इस समय डिमांड इसकी बिल्कुल डाउन है. तो सेकेंड स्टेटमेंट इसीलिए कारण से गलत हो जाएगा क्योंकि डिमांड बढ़ी नहीं है, रादर डिमांड डाउन हो गई, इसलिए केरला के जो रबर प्लांटर्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम चल रही है. फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इंडिया का जो 75% ऑफ द नेचुरल रबर प्रोडक्शन है इंडिया का वो केरला से होता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग. ठीक है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आगे तीसरा सवाल देखते हैं, विद रेफरेंस टू विंडफॉल टैक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट कह रहा है दीज आर डिजाइन टू टैक्स द कंपनीज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और देयर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेसेस. तो ये पहला स्टेटमेंट है. दूसरा स्टेटमेंट है दीज टैक्सेस आर इम्पोज्ड रिट्रोस्पेक्टिवली एंड कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी इन द मार्केट अबाउट द फ्यूचर टैक्सेस. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है. आई होप आप इसको भी अटेम्प्ट कर पाएंगे. विंडफॉल टैक्स काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया था परसों नरसों के ही न्यूज़पेपर एनालिसिस में. तो विंडफॉल टैक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब अचानक से सडन इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट हो जाए ड्यू टू एन अनफोर्सीन इवेंट. फॉर एग्जांपल यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, तो इससे जो ऑयल कंपनीज हैं उनके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ गया अचानक से. ठीक है ना, तो इसको जो प्रॉफिट बोलते हैं विंडफॉल प्रॉफिट होता है, और इस विंडफॉल प्रॉफिट में से गवर्नमेंट टैक्सेशन लगाती है तो उसको बोलते हैं विंडफॉल टैक्स बोलते हैं. ठीक है ना, तो अब ये विंडफॉल टैक्स पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, दूसरा लेकिन सही है क्योंकि विंडफॉल टैक्स रिट्रोस्पेक्टिवली भी लग सकता है, देयरफॉर फ्यूचर के टैक्सेस के लिए ये कुछ अनसर्टेनिटीज क्रिएट करता है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. ये तीन सवाल थे, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा. एंड आप बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ते रहिए, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. कल हमने GS1 का पेपर भी सॉल्व करके देखा था कि किस तरीके से हमने जितना भी डिस्कशन किया है एवरीथिंग कम्स हैंडी, एवरीथिंग कम्स फ्रूटफुल फॉर अस, है ना. और आप में से जिसको लगता है कि UPSC 2023 के लिए वो सही तरीके से तैयार नहीं है फॉर द स्टैटिक पार्ट, तो हमारा जो कोर्स है UPSC 2023 का स्टैटिक का वो ज्वाइन कर सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस. पहली जो न्यूज़ है वो फ्रंट पेज की है, चीता फ्रॉम नामीबिया गेट अ न्यू होम इन इंडिया. तो अब हम याद रखिएगा पालपुर कूनो, जो कि मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क, इट्स अ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, है ना, आपका चंबल वाले रीजन में आता है कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश. अब ये लोकेशन चुनी गई है फॉर ब्रिंगिंग द चीता, रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन टू इंडिया. याद रखिएगा चीता जो था पहले इंडिया में था, लेकिन 1952 में जो लास्ट चीता था वो यहाँ पर ख़त्म हुआ और 1952 से चीता जो है वो एक्सटिंक्ट था. तो लगभग 70 सालों के बाद, आफ्टर 70 ईयर्स बीतने के बाद अब दोबारा से चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एंड फॉर द रीइंट्रोडक्शन इट हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम नामीबिया. तो याद रखिएगा चीता इज ब्रॉट फ्रॉम नामीबिया. कल मैंने आपको बताया था जो कैट फैमिली होती है इस तरीके से, उसमें अलग अलग मैंने आपको बताया था कि पांच जो थे वो जीनस पैंथेरा के थे, है ना, 5 आर फ्रॉम द जीनस पैंथेरा, है ना, जैसे पैंथेरा टाइग्रिस हो गया, है ना, इसका वाला लेपर्ड हो गया, ये सारी चीज़ों के. फिर आपके एक जो था वो प्यूमा उसका था, ठीक है ना. देन इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ऑसिनिक्स करके आता है जिसमें फिर चीता आता है, ठीक है ना, तो एसियोनिक्स जो रहता है उससे चीता होता है. तो इस तरीके से चीता जो है वो है कैट फैमिली का ही, लेकिन जो उसके तीन अलग अलग हैं, 7 टोटल कैट्स हैं उसमें से एक है, और इसका जो जीनस है वो पैंथेरा नहीं है, है ना. तो ये भी एक फैक्ट जो आप याद रख सकते हैं. और चीता मैंने आपको बताया 1952 में एक्सटिंक्ट हुआ था इंडिया से, और
जो प्लान है इस बार इंट्रोडक्शन का चीता को, उसका लॉन्ग टर्म स्ट्रेस ये है, इट्स अ मल्टी करोड प्रोजेक्ट जिसका लॉन्ग टर्म स्ट्रेस यही है कि जो नेचुरल रेट ऑफ सर्वाइवल है वो लगभग 70% बनाया जा सके फॉर द एडल्ट्स एंड 25-40% फॉर द कप्स, ठीक है ना। एंड लॉन्ग टर्म गोल रहेगा विल बी डेवलपिंग अ फ्री रेंजिंग ब्रीडिंग फाउंडर पॉपुलेशन ऑफ चीता, है ना। तो एक ऐसी पॉपुलेशन चीता की क्रिएट करना ताकि वो सेल्फ सर्वाइवल कर सके, और ये इसका मेन एम रहेगा बेसिकली। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ऐसा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, चाइना ब्लॉक्स लिस्टिंग ऑफ लश्कर कमांडर साजिद मीर एट यूएनएससी। तो यहाँ पे यूएनएससी में जो लश्कर का कमांडर है, लश्कर ए तैयबा का कमांडर है साजिद मीर, उसका टारगेटिंग इन द 1267 लिस्ट ऑफ यूएनएससी। याद रखिएगा जो टेररिस्ट हो, जो टारगेटेड टेररिस्ट है उनकी लिस्ट जो होती है वो यूएनएससी के 1267 लिस्ट में आते हैं, 1267। तो याद रखिएगा यूएनएससी की 1267 लिस्ट में चाइना ने लेकिन इसको ब्लॉक कर दिया। आप सबको पता होना चाहिए कि चाइना जो है वो P5 का मेंबर है। P5 का मतलब क्या हुआ, USA, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, यानी कि ये परमानेंट जो 5 मेंबर्स हैं जहाँ जिनके पास वीटो पावर भी है, तो ये यूएनएससी के परमानेंट 5 मेंबर्स हैं। और ये अगर चाहें तो किसी भी इस तरीके के रेजोल्यूशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन को रोक सकते हैं। तो चाइना ने उसी पावर का यूज़ करते हुए फाइनली इसको डिसेंट किया इसका। और वही है कि दिस शोज़ द डबल स्टैंडर्ड ऑफ चाइना। एक तरफ से आप बात करते हो टेररिज्म को दूर करने की, एंड फ्रॉम द सेकेंड फेज यू स्टार्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो इट्स अ टू फेज्ड थिंग which India has highlighted कि ये बिल्कुल गलत है। I hope you got clarity regarding that as well. चीते का एक बार आपको साइंटिफिक नेम मैं और बता दूं, ये लिख लो एसिनोनिक्स जुबेटस। तो कल मैंने आपको बताया था हालांकि, लेकिन फिर से लिख लीजिए एसिनोनिक्स जुबेटस, ठीक है ना। इसके अलावा कल मैंने आपको जो 7 कैट्स बताए थे उसमें लॉयन बताया था, टाइगर बताया था, जगुआर बताया था जो कि अमेरिका रीजन पाया जाता है, चीता बताया था, लेपर्ड बताया था एशिया अफ्रीका मिडिल ईस्ट में, देन स्नो लेपर्ड बताया था अल्पाइन रीजन ऑफ साउथ सेंट्रल एशिया, एंड लास्ट है आपका कूगर जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, डेंगी परवार, दिल्ली है तैयार, ये सब भी किसी काम का नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वी कैन मूव अहेड वेरी इजीली फ्रॉम हेयर। यहाँ पे ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। कोचीन शिपयार्ड टू सेट टू इंस्टॉल मिसाइल सिस्टम इन INS विक्रांत। तो INS विक्रांत में जो मिसाइल सिस्टम है उसको कौन इंस्टॉल करेगा, कोचीन शिपयार्ड इंस्टॉल करेगा। INS विक्रांत याद रखेगा इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। और इसमें दो चीज़ें इंस्टॉल की जाएंगी अभी, LRSAM जिसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल, और दूसरा है MFSTAR यानी कि मल्टी फंक्शनल डिजिटल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे, ठीक है ना। तो LRSAM क्या है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, एंड MFSTAR यानी कि मल्टी फंक्शनल डिजिटल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे राडार, ठीक है ना, इट्स अ राडार। तो ये इंस्टॉल किया जाएगा। अब LRSAM की अगर हम बात करें तो LRSAM आपको जॉइंट डेवलपमेंट है DRDO एंड इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का। LRSAM किसके बीच में है, DRDO और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का, और इंडिया में इसको भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। MFSTAR इज मैन्युफैक्चर्ड बाय IAI यानी कि इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एंड इज ऑल्सो इन सर्विस ऑन अदर फ्रंट लाइन वॉरशिप्स ऑफ इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी की दूसरे वॉरशिप्स में भी ये आपका MFSTAR लागू होता है यानी कि यूज होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कुछ फैक्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा द शिप यूजेस एन एयरक्राफ्ट ऑपरेशन मोड नोन एज शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, स्टोबार। याद रखिएगा स्टोबार अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है, तो इट्स शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। ये एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन का एक मोड होता है, इट्स अ मोड इन द एयरक्राफ्ट ऑपरेशन एंड इट इज इक्विप्ड विद स्काई जम्प, स्की जम्प फॉर लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट एंड सेट ऑफ 3 अरेस्टर वायर्स फॉर देयर रिकवरी ऑन बोर्ड। तो ये बेसिकली किसके यूज आता है, एयरक्राफ्ट के लॉन्चिंग के लिए और फिर बाद में उसकी रिकवरी के लिए, स्टोबार सिस्टम। याद रखिएगा इट इज़ फॉर द अरेस्टेड रिकवरी ऑफ द ओवरऑल सिस्टम एंड लॉन्चिंग, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कीवर्ड्स याद रखो, कीवर्ड्स जो मैं बताता हूँ ना उनको लिख लिया करो बस, उससे आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल निकल जाएगा आराम से।
जापान अर्जेस इवैक्यूएशन एज टाइफून नियर्स। यहाँ पे टाइफून के कारण जापान ने इवैक्यूएशन की डिमांड की है। टाइफून का मतलब क्या होता है? टाइफून इज़ अ सॉर्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, याद रखिएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन ही होता है। एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट होता है और इंटेंसीफाई होता है ओवर द वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस। तो जो वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस है वहाँ पे ही आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं एंड ये स्टॉर्म लाते हैं, फिर लैंडफॉल करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए फेमस है काफ़ी, आपको पता होगा। इनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, साइक्लोन कहते हैं इंडियन ओशियन में, हरिकेन कहते हैं अटलांटिक में, टाइफून कहते हैं वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी में, जैसे जापान हो गया, इधर हो गया, और वाइली वाइली कहते हैं इनको ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कुछ नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं कहाँ पे क्या नाम से इसको बुलाया जाता है। कंडीशंस अगर कोई आपसे पूछे कल को कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है, तो जो कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको ऑप्शंस में मिलेंगी, ठीक है ना। तो पहली लिखी है कि भैया जो सी सर्फेस का टेम्परेचर होना चाहिए वो 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो 27 से 27 से ज़्यादा बिल्कुल सही बात है। गर्म एटमोसफियर, गर्म अगर सर्फेस रहेगा पानी का तो ज़्यादा बेटर चांसेस हैं साइक्लोन के बनने के, ठीक है ना। दूसरा देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, तो कोरियोलिस फोर्स का होना ज़रूरी है, ऑब्वियस बात है। देन स्मॉल डिफरेंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड, जो विंड स्पीड है वर्टिकल उसमें बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए। और लास्ट ये है कि एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया। तो जहाँ हमने देखा कि सी सर्फेस टेम्परेचर ज़्यादा था पानी में, तो वहीं पर लो प्रेशर एरिया डेवलप करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। इसके अलावा लास्ट है अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल, अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है, ठीक है ना। सो इसके बाद जहाँ पे आपका मतलब इस तरीके से पहले एयर डिसेंड होगी और वहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया जहाँ पे होगा, इसको बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। इट इज़ वन ऑफ द आई ऑफ द साइक्लोन। एक लो प्रेशर एरिया रहता है, रीजन ऑफ काम रहता है, यहाँ पे बिल्कुल काम शांति रहती है, ठीक है ना। इसके सराउंडिंग जो रहती है, सराउंडिंग इसके इस तरीके से अपराइजिंग एयर रहती है ना, अपराइजिंग एयर रहती है, और इसको हम बोलते हैं आई वॉल, ठीक है ना। तो आई वॉल क्या होता है बेसिकली? इट्स स्ट्रॉन्ग स्पायरलिंग राइज ऑफ एयर होता है। यहाँ पे पहले यहाँ पे आया, मतलब इस तरीके से पहले आई में ऐसे ऐसे आया पानी और हवा, और फिर यहाँ से अप ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। अगली न्यूज़ पे आते हैं, हाउ क्लाइमेट चेंज इज़ अल्टरिंग इंडियन मॉनसून। अब ये न्यूज़ जो है काफ़ी अच्छे से इसमें डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। इंडियन मॉनसून जो है काफ़ी चेंजेस इसमें देखने को मिले हैं ओवर द ईयर एंड दे आर ड्यू टू द चेंज ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज इसको हम बोलते हैं, ठीक है, उस कारण से हो रहा है। सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि जो ट्रैक है मॉनसून का, आप लोग पॉइंट्स लिख लीजिए क्या क्या चेंजेस हुए। फर्स्ट, द ट्रैक ऑफ मॉनसून इज़ चेंजिंग, ठीक है ना। जैसे कि लो प्रेशर एरिया डिप्रेशंस जो हैं ट्रेवलिंग साउथ ऑफ देयर पोजीशन, मतलब जो उनकी पोजीशन होती थी उससे साउथ के, उससे और थोड़ा नीचे से आ रहे हैं, ठीक है ना। एंड इसके अलावा कई जगहों पे हमको फ्लैश फ्लड्स देखने को मिले हैं जो पहले इतने ज़्यादा नंबर्स में नहीं होते थे, तो फ्लैश फ्लड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एक इंटेंस एंड फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम अनप्रेसिडेंटेड वेदर इवेंट्स होते हैं वो बढ़ गए हैं। द नंबर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वेदर इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए, मतलब कि जो एरियाज़ पहले कम रेनफॉल के थे वहाँ पर हाई रेनफॉल होने लगी है, कई एरिया जहाँ पर हाई रेनफॉल होती थी वहाँ कम रेनफॉल होने लगी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि ये बहुत कम समय लगेगा कि जब ये इन्वायरमेंटल एक मैटर है, ये सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट या सोशो इकोनॉमिक मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, धीरे धीरे इससे एग्रीकल्चर, धीरे धीरे इससे जो लाइफ है लोगों की, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगी बिकॉज ऑफ द रेनफॉल, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रधान देश है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है। द प्रॉब्लम इज़ दैट इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अब ऑथर ने यहाँ पे कहा कि देखो चैलेंज ये है कि इतने सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लानीना के कारण ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, एलिनो के कारण कम रेनफॉल हो रही है। एक तरफ से लानीना काम कर रहा है, दूसरी तरफ से निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल काम कर रहा है ना। एक तरीके से साउथवर्ड मूवमेंट है मोस्ट ऑफ द मॉनसून डिप्रेशंस का, और कहीं और इस तरीके से हिमालयाज के कारण चेंजेस आ रहे हैं। तो ऑथर ने कहा कि कॉम्प्लेक्स मिक्स है इंडिया में, और उस कारण से भी एग्जैक्ट समझ पाना कि कौन से फैक्टर कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है बहुत टफ हो जाता है, ठीक है ना। दिस इज द थिंग विच ऑथर से इसकी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि जो चेंजेस और देखने को मिले हैं, तो उसमें पहले क्या, अगर आप मॉनसून चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया का जो मॉनसून है वो सडन ऑनसेट कहलाता है, सडन ऑनसेट बोलते हैं उसको, सडन ऑनसेट एंड ग्रेजुअल उसका फिर रिट्रीट, दो इसकी प्रोसेस होती हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा।
प्रोसेस को हम बोलते हैं सडन ऑनसेट, ऑनसेट सडन होता है और रिट्रीट जो होता है वो स्लो होता है। लेकिन अब ये देखने को मिला है कि जो ऑनसेट है दैट हैज़ बिकम वेरी स्लो, द ऑनसेट ऑफ मानसून हैज़ बिकम वेरी स्लो। तो ये भी एक तरीके से प्रॉपर्टी चेंज है जो कि मानसून की नहीं होनी चाहिए थी। एक तो ऑनसेट वीक हो रहा है, दूसरे के बाद दूसरी बात जो रीजन्स हैं कुछ ऐसे जहाँ पे इतनी रेनफॉल नहीं होती थी वहाँ पे ज़्यादा हो रही है, और जो रीजन्स जहाँ ज़्यादा होती थी वहाँ थोड़ा कम रेनफॉल देखने को मिली है, है ना। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, इट इज़ कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड द रेनफॉल वेरिएबिलिटी एंड मॉनसून पैटर्न्स, ठीक है ना। तो वेरिएबल जो मॉनसून में वेरिएबिलिटी उसको समझ पाना काफ़ी कठिन है, पहली चीज़। तो ये सिंपल सा फैक्ट है। अलार्मिंग इंक्रीज इन फ्लड्स एंड ड्राउट्स हैव डायरेक्ट एविडेंस ऑफ हाउ ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बीन इम्पैक्टिंग द इंडियन मानसून। दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, फ्लड्स भी और ड्राउट्स भी, जो कि दिखाता है कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, दे हैव रिकॉर्डेड एक्सेस रेनफॉल दिस ईयर। एंड वहीं पे वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, वहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल भी रिसीव नहीं हुई है। देन बैक टू बैक एक्टिव मानसून सिस्टम इन द बे ऑफ बंगाल इन जुलाई लेड टू एक्सेस रेनफॉल टू द ट्यून ऑफ 8%, है ना। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में भी अलग चीज़ें चल रही हैं, एंड बे ऑफ बंगाल में बैक टू बैक डिप्रेशंस भी बने हैं, साइक्लोन्स आना, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है ना। एंड देर इज एविडेंस दैट ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेस द फ्लक्चुएशन इन द मानसून रिजल्टिंग इन बोथ लॉन्ग ड्राई पीरियड्स एंड शॉर्ट स्पेल्स ऑफ हैवी रेन। तो ड्राई पीरियड्स लॉन्ग हो गए हैं, शॉर्ट स्पेल ड्राई हैवी रेन्स के भी देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि वेरिएबिलिटी जो है जो विच इज़ बिकॉज ऑफ योर क्लाइमेट चेंज। मैचिंग इकोलॉजी विद एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर बात करी सबसे पहले ऑथर ने इकोलॉजिकल नीशे की। तो व्हाट इज़ इकोलॉजिकल नीशे, ऑथर ने तो इसको जिस टर्म ने एक्सप्लेन किया पहले मैं वो बता दूँ। इकोलॉजिकल नीशे ऑथर कहता है इट्स द राइट सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब ये वो इन्वायरमेंटल कंडीशन है इकोलॉजिकल नीशे, इन्वायरमेंटल कंडीशन वो राइट सेट की जो कि किसी एनिमल या प्लांट स्पीशीज़ को सर्वाइव करने में या थ्राइव करने में मदद करें। मतलब कि इन्वायरमेंट की ऐसी कंडीशन, आप लोग तो एग्जैक्टली यही लाइन लिख लीजिएगा, इकोलॉजिकल नीशे इज द राइट सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस अंडर विच एन एनिमल और प्लांट स्पीशीज विल थ्राइव। इसको दूसरी भाषा में जो नीशे होता है उसको क्या लिखते हैं मैं आपको बता दूं। नीशे मतलब रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्ले द रोल दैट एन ऑर्गेनिज्म प्लेज इन अ सोसाइटी। एक ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शनल सिग्निफिकेंस है एक सोसाइटी में, व्हाट इज द फंक्शनल या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑर्गेन, फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन सोसाइटी इज नोन एज इट्स नीशे, इसका नीशे कहलाता है। एंड स्पीशीज नीशे जो होता है उसमें दोनों चीज़ें होती है, उसका फिजिकल इन्वायरमेंट भी होता है और उसका फिजिकल उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसका इन्वायरमेंट भी होता है जो साइड में जहाँ पे वो पाया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि टेम्परेचर, ट्रेन, तो जैसे हमने दोनों तरीके से इस डेफिनेशन को इकोलॉजिकल नीशे में, तो ऑथर ने जो है वो दूसरा तरीका बताया कि एक वो कंडीशंस, राइट सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन जिसमें एक एनिमल स्पीशीज़ या प्लांट स्पीशीज सर्वाइव करता है, थ्राइव करता है, ठीक है ना। एंड बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी इज़ नथिंग बट इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट नीशेज, अलग अलग नीशेज का इंटरेक्शन ही बायोडाइवर्सिटी को फॉर्मेशन करता है। अब एक टर्म है नीशे मॉडलिंग, तो इकोलॉजिकल नीशे मॉडलिंग का मतलब है एक ऐसा प्रिडिक्टिव टूल जो कि आइडेंटिफाई कर सके नई पॉसिबिलिटीज़ को फॉर न्यू इनहैबिटेंट्स फॉर एन एग्जिस्टिंग हैबिटेट। तो कोई एग्जिस्टिंग हैबिटेट है और आप किसी प्रिडिक्टिव टूल के माध्यम से ये पता करें कि कौन से नई स्पीशीज़ हैं जो कि इस रीजन में आ सकते हैं, रह सकते हैं, या कौन से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके लिए ये रीजन सही है, इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल मॉडलिंग कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑथर ने एक साइंटिफिक नेम दिया है क्रोकस सटाइवस, तो याद रखिएगा इट्स सैफ्रन प्लांट। क्रोकस सटाइवस क्या है, क्रोकस सटाइवस इट्स द सैफ्रन प्लांट, तो इसको लिख लीजिएगा क्रोकस सटाइवस, ठीक है ना, इट्स सैफ्रन प्लांट। और आपको पता है ये जम्मू कश्मीर रीजन में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये प्रिपेयर होता है थ्रू एन अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड कॉर्म्स। कॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखिएगा अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द सैफ्रन प्लांट, तो ये भी आप इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा ये। अब देखो वैसे माना जाता था पहले कि ये ग्रीस का नेटिव है, लेकिन अगर इसमें और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इसको चाहिए, लेकिन अगर आज देखेंगे तो 90% वर्ल्ड का जो सैफ्रन है वो ईरान प्रोड्यूस करता है। तो इकोलॉजिकल मॉडलिंग के थ्रू आप ये भी कर सकते हैं कि दूसरी स्पीशीज़ जो उस रीजन में आ सकती है उनके बारे में पता लगाया जा सकता है। हैज़ द एमिशन डेडलाइन बीन एक्सटेंडेड, तो यहाँ पे एक न्यूज़ चल रही है, एक्चुअली मैं आपको बस वो बता दूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक्सटेंड कर दिया डेडलाइन फॉर इंस्टॉलिंग द पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़। तो पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ जो कंट्री के थर्मल पावर प्लांट में लगनी थी उसकी डेडलाइन अब तीसरी बार बढ़ाते हुए जो गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया कि हम बढ़ा देंगे।
देखो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, बहुत सारी गैसेस निकलती है, जैसे SO2 निकल गया, NOx निकल गया, ये हार्मफुल होती हैं, एसिड रेन बनाती हैं, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल रहती हैं, ठीक है ना। इनको कहते हैं फ्लू गैसेस, है ना, व्हाट दे आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड फ्लू गैसेस। और फ्लू गैसेस जो है वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाती है, ठीक है ना। सॉरी और इसीलिए कोशिश की जाती है कि फ्लू गैसेस से सल्फर को हटा दिया जाए, सल्फर की मात्रा कम की जाए, जिसकी प्रोसेस कहलाती है FGD, यानी कि फ्लू गैसेस डीसल्फ्यूरिफिकेशन, ठीक है ना। फ्लू गैसेस डीसल्फ्यूरिफिकेशन, और इट कैन एलिमिनेट अप टू 95% ऑफ द सल्फर फ्रॉम द फ्लू गैसेस बाय स्क्रबिंग। तो स्क्रबिंग की प्रोसेस से कम कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया गया है कि जो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं थर्मल पावर प्लांट में डीसल्फ्यूरिफिकेशन के, नॉल वो थोड़ा लेट आ सकती हैं, अभी नहीं आ सकती हैं। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।